यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से जब कैसे बना घोंसला, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। ये कहावत जो है बहुत ही सभी लोगों ने मुझे लगता है कि सुनी होगी, नहीं भी सुनी होगी तो मैं सेशन में बार बार ये जो है रिपीट करते रहता हूँ। जो आज का सेशन है उसमें हमारे साथ हैं अश्विनी गुप्ता जी, जो है आरओ सेक्रेटेरिएट यूपी, और साथ में हैं संध्या मैम, जो जो भी आरओ सेक्रेटेरिएट हैं। आज के जो टॉपिक्स हैं वो ये हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी यूपीपीसीएस, दूसरा है कंप्लीट स्ट्रेटेजी फॉर बिगनर्स, और तीसरा है हाउ टू यूज एलिमिनेशन मेथड इन एग्जाम। मैम थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लें कि कौन सा टॉपिक कौन लेगा। अश्विनी जी मुझे लगता है तीसरा टॉपिक आपको लेना चाहिए और दूसरा आपको लेना चाहिए। हाँ ठीक है, मैं तीसरा टॉपिक और दूसरा टॉपिक ले लूंगा। जी मैम आपका रहेगा कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपी बीसीएस और यूपीएससी। लोगों को मेरा नमस्कार। पीयूष जी का धन्यवाद। नहीं मैम आपका धन्यवाद कि उन्होंने आप इस प्लेटफॉर्म पे, नहीं देखिए, होस्ट पहले होता है क्योंकि उसके दिमाग में चीजें स्टार्ट होती हैं। आपके दिमाग में चीजें आई और आपने सोचा कि ये किया जाए तो हम लोग कनेक्ट हुए ना। तो थैंक्स टू यू और जितने भी लोग जुड़े हैं सभी को मेरी हाय हेलो। तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी और यूपीपीएससी, एक चीज मैं क्लियर कर दूँ, यूपीएससी का मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने कभी यूपीएससी दिया नहीं। मैंने जो अपनी तैयारी शुरू की है वो यूपीपीएससी से ही शुरू की है और उसी पे मुझे खत्म करना है। यूपीएससी के बारे में कुछ ज्यादा आप लोगों को बता नहीं पाऊंगी, लेकिन हाँ यूपीपीएससी का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं जरूर आपके साथ साझा कर सकती हूँ। क्योंकि यूपीपीएससी का मेरा जो एक्सपीरियंस है वो जॉब में आने के बाद स्टार्ट होता है। मैं 2010 में बेसिक एजुकेशन में एज असिस्टेंट टीचर सेलेक्ट हो गई थी। उसके बाद मेरा डाइवर्जन हुआ मूड का कि मुझे यूपीपीएससी की तैयारी शुरू करनी है। और आप लोग तो बहुत लकी हैं कि बहुत सारे लोग आपको ऐसे आज की डेट में जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड बहुत इजीली हो जा रही हैं, वेबिनार्स हो रहे हैं, यूट्यूब भरा पड़ा है। लेकिन जिस समय मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो उस समय ये सब चीजें इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं थी। हर छोटी छोटी चीज के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी। मेरी तैयारी जॉब के बाद जैसे स्टार्ट हुई, और मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, घर में सिविल्स का कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं था, ना ही कोई गवर्नमेंट जॉब में था। तो मैंने जो भी कुछ मेरा एक्सपीरियंस है वो सब कुछ एरर एंड ट्रायल मेथड पे है। खुद ही मैंने गलतियां की हैं, खुद ही सीखा है और कोई गाइडेंस नहीं मिल पा। लेकिन अब अगर कोई मुझसे पूछता है कि हाउ टू प्रिपेयर, तो कुछ चीजें हैं जो दिमाग में चलती हैं कि कैसे जो है आप लोगों को प्रिपेयर करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज ये है कि आप अपना माइंड सेट करें कि आप यूपीपीएससी के लिए तैयारी करना चाहते हैं। क्योंकि यूपीपीएससी की जो तैयारी है वो बहुत टाइम भी मांगती है, पेशेंस बहुत मांगती है, और इतना फ्लक्चुएशन, इतने उतार चढ़ाव इस तैयारी में है कि बहुत बार आपको लगता है कि आप टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप अपना एकदम दिमाग एकदम बिठा लें दिमाग में कि नहीं हमें करना है, तभी आप इस फील्ड में आगे आए। अदरवाइज तो कोई और प्रिपरेशन करे, कुछ और आप तैयारी करें। यहाँ पे आपको एकदम माइंड से पहले स्ट्रांग होना बेहद जरूरी है, उसके बाद सारी चीजें आती। अगर आपका माइंड सेट इस तरीके का हो जा रहा है कि आप कितना भी फ्लक्चुएशन आए, कितनी भी बार आप फेल हो, फिर भी आप जो है तैयारी से पीछे नहीं हटेंगे और फाइनली आप सिलेक्शन लेंगे, तब आप इस फील्ड में आगे बढ़िए और तब अपनी तैयारी जो है स्टार्ट करिए। तो फर्स्ट चीज हाउ टू प्रिपेयर में मुझे जो समझ में आता है कि माइंड सेट होना बेहद जरूरी है। इसके लिए टाइम लेना चाहिए किसी को भी, किसी के कहने से, सुनने से, यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लेने से, या फिर अगल बगल में कोई आईएएस बन गया, पीसीएस बन गया, उससे लोग मोटिवेट हो जाते हैं कि हम भी करेंगे। वो नया नया जोश रहता है, एक जो डेकोरम होता है देख के कि बहुत सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, उसको बहुत नेम फेम मिल रहा है, तो लोग कि हम भी करेंगे। लेकिन होता क्या है, वो 10 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीने के बाद एकदम खत्म हो जाता है, क्रेज खत्म हो जाता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
पहली जो मेरी चीज है वो यही कि आप अपना माइंड पूरा एकदम सेट कर लीजिए, कितनी भी बार आप गिरे ठीक है, लेकिन आपको खड़े होके फिर से चलना है, दौड़ना है। लेकिन आप एक बार माइंड सेट कर लेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो फाइनली सिलेक्ट होते ही हैं। ऐसे पर्सनली मैं भी एग्जाम्पल हूँ, मुझे खुद 5.5 साल मेहनत करना पड़ा तब जाके मेरा पहला सिलेक्शन आयोग से हुआ था, क्योंकि मेरे मेरे पास कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई गाइडेंस किसी तरीके की नहीं थी, और सारी चीजें जॉब के साथ मैनेज करनी पड़ी, तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगा। लेकिन अभी जैसे आपको गाइडेंस मिल रही है तो आप उसको थोड़े कम समय में भी कंपाइल कर सकते हैं, बट माइंड सेट आप थोड़ा सा अपना कर लीजिए। माइंड सेट अगर आपका हो जा रहा है, आपने बिल्कुल एकदम डिसाइड कर लिया है कि हाँ यू हैव टू डू, देन बात आती है स्टडी मटीरियल की कि आप क्या फॉलो करें। तो UPPSC में अभी पैटर्न चेंज हो गया है, अभी 2018 से पैटर्न चेंज हुआ है, और 2017 तक का जो पैटर्न था वो पुराना पैटर्न था जिसमें GS भी ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होता था। मेंस में पहले जैसे GS प्रीलिम्स में 2 पेपर हुआ करते थे, एक सब्जेक्ट का पेपर होता था ऑप्शनल पेपर और एक GS का पेपर होता था, उसके बाद फिर वहां पे GS और CSET आया। और अभी नया जो ट्रेंड है वो ये कि अभी निगेटिव मार्किंग आ गई है, तो थोड़ा सा आपको संभल के चलने की जरूरत है। और मेंस में अभी पूरा UPSC वाला पैटर्न फॉलो हो गया है, तो जो लोग भी अगर UPPSC की तैयारी कर रहे हैं वो UPSC वाले तो आराम से मतलब निकाल ही लेते हैं, UPSC और UPPSC अब दोनों सेम ही हो गया है। तो स्टडी मटेरियल में मैं कहूँगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप NCERT से स्टार्ट करिए, बेसिक्स बनाने के लिए बहुत अच्छी, क्योंकि वो बेसिकली सिविल्स के लिए तो नहीं लिखी गई है NCERT, लेकिन वो 6th to 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए गई है। तो इस तरीके से उसमें कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया गया है कि आप उसे इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि आपका IQ लेवल थोड़ा ज्यादा है, आपके लिए वो इजी है। उसके बाद सेकेंड चीज की आप चूंकि GS है, आपको सिर्फ एक ही ऑप्शनल पढ़ना है, तो जब आप तैयारी शुरू करें तो मुझे लगता है कि शुरुआत में हर किसी का बैकग्राउंड अलग अलग होता है, अब सबकी स्ट्रीम अलग अलग है, लेकिन GS चूंकि चारों पेपर कॉमन है सभी के लिए, तो GS पे हम लोगों को ज्यादा ही इस समय फोकस करना है। लेकिन प्रिपरेशन के टाइम पे आप अपना ऑप्शनल जरूर फाइनल करिए, क्योंकि अक्सर ये प्रॉब्लम आती है जब आप तैयारी शुरू करते हैं, मेरे सामने भी ये मतलब मैंने फेस किया है कि उस समय ऑप्शनल का दिमाग में नहीं चलता था कि ऑप्शनल लेंगे, लगता था कि चलो देख लेंगे पहले PT तो हो जाए। जब PT हो गया, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में जैसे PT क्वालिफाई हो गया था, तो मेरे लिए बिल्कुल एकदम लगा कि अब मेंस में क्या मैं लूँ, क्योंकि कुछ दिमाग में था ही नहीं, कोई चीज एकदम मतलब सोचा भी नहीं था कि ऐसे मतलब हो जाएगा, और हो गया। तो आप उस चीज का शिकार ना हो, पहले से ही थोड़ा सा 6-7 महीना पढ़ने के बाद आप ये चीज अपने माइंड में डिसाइड कर लें कि आपको कौन सा ऑप्शनल लेना है। आजकल दुनिया भर का मटेरियल YouTube पे, टेलीग्राम पे और मार्केट में अवेलेबल है, तो इस समय सबसे मुझे जो समझ में जरूर इस समय लग रही है चीज, कि इस समय इतना मटेरियल बाजार में है कि उसमें से स्क्रीनिंग करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि आप क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। चीजों को स्क्रीनिंग करना इस समय सबसे कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। अभी अगर करंट अफेयर की मैं एक एग्जाम्पल के लिए बात करूँ, पहले गिनती के 5-6 मैगजीन्स आते थे जो सिविल्स में कि हाँ जिनका नेम पिन रहता था, लेकिन आज अगर आप करंट अफेयर्स का काउंटर किसी अच्छी शॉप पे देखेंगे, जैसे मैं यहाँ लखनऊ में रह रही हूँ, तो लखनऊ की अगर मैं बुक स्टोर की बात करूँ तो करीब करीब 100 के करीब मुझे जो है पब्लिकेशन दिख जाते हैं, तो उसमें से एक छाटना कि मुझे कौन सा सूट करे, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। तो अपना आप जो भी ऑप्शनल प्रिपरेशन के टाइम पे चूज करें, उससे रिलेटेड जो भी आपका रेलिवेंट स्टडी मटेरियल हो उसे आप उसका स्क्रीनिंग कर लें। अभी आप चाहे पढ़े नहीं लेकिन स्क्रीनिंग कर लें, इससे क्या होगा कि जैसे आपका PT जब हो जाता है तो आपको इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ेगा, भागना नहीं पड़ेगा। अब वापस GS पे बात करते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर। तो मैंने जो बेसिकली UP के लिए किया है, UP के लिए NCERT, सेकेंड एक वाणी पब्लिकेशन UP के लिए, जैसे चूंकि अभी थोड़ा सा चेंज हो गया है, 18 और 19 में पेपर का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन इससे पहले तक UP का पेपर
काफी हद तक फैक्चुअल रहता था, कुछ उसमें लास्ट ईयर का कंटेंट रहता था और करंट अफेयर आप कर लेते थे तो हो जाता था। तो उसके लिए घटना चक्र का जो कंपाइलेशन आता है हर सब्जेक्ट का, वो मैंने हर बार हर पीटी में सॉल्व किया है, करीब करीब 8-10 बार तो मैं उसको सॉल्व कर चुकी हूँ। तो वो आप करिए अगर आप यूपीपीएससी के लिए यूज कर रहे हैं। अब ये पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है तो सिर्फ घटना चक्र पढ़ के काम नहीं चलना है, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे। जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो 18 और 19 का पेपर आप एक बार देख लीजिए, तो पेपर्स का पैटर्न जो है वो अब काफी बदल गया है। यूपीपीएससी भी कहीं ना कहीं यूपीएससी को फॉलो कर रहा है, उसी के रास्ते पे इस समय हमारा यूपीपीएससी भी है। और इसका एक रीजन मुझे जो समझ में आता है कि जो हमारे अध्यक्ष हैं वो आईएएस हैं, सीनियर आईएएस हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का प्रभाव जो है कार्यशैली आयोग पे पड़ना तय है। तो चूंकि वो खुद आईएएस हैं तो कहीं वो नए नए चेंजेस इस समय कर रहे हैं। आप जो है यूपीपीएससी की एनसीईआरटी समय घटना चक्र का कंपाइलेशन, मैं पीटी की बात कर रही हूँ, घटना चक्र का कंपाइलेशन आप लगाइए। वाणी पब्लिकेशन एक है यूपी के लिए, तो उसमें आप फैक्चुअल जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं तब आप उसको छूए, उससे पहले नहीं करिए, क्योंकि वाणी की किताबें बहुत तरीके से नहीं लिखी गई है, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है आपको अच्छी लगे लेकिन मुझे लगता है कि वो थोड़ी सी उसमें सिस्टमैटिक वे में नहीं है, लेकिन उसमें फैक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। और लास्ट टाइम में चूंकि हम लोगों को फैक्ट्स की जरूरत जो है पड़ती है रिवीजन में, तो वो हेल्प करती है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आप उसको पढ़िए, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने चीजें फॉलो की है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है कि मल्टीपल रिवीजन आपको चाहिए। आप बहुत सारी किताबों के पीछे मत भागिए, शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए, ठीक है। आप कहीं नोट कर लीजिए कि आपको ये स्टडी मटेरियल फॉलो करना है, ये यूट्यूब के चैनल आपको फॉलो करने हैं, इस व्यक्ति को आपको सुनना है देखना है। सबके पीछे अगर आप भागेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, ये जान लीजिए, एकदम जान लीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी स्ट्रेटेजी बताता है। मेरी स्ट्रेटेजी खुद की है, वो मेरे लिए है, आप उसको फॉलो करेंगे तो सक्सीड नहीं होंगे। आप सिर्फ उससे क्या कर सकते हैं कि एक्सपीरियंस ले सकते हैं, जान सकते हैं जो गलतियां मैंने की हैं कि वो आपके साथ ना हो। जैसे मेरी गलती क्या थी कि मैंने कभी ऑप्शनल के बारे में सोचा ही नहीं, एकदम नहीं सोचा, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ, एकदम से मेरा पीटी क्वालिफाई हुआ, मैंने मतलब इमेजिन नहीं किया था कि हो जाएगा, हो गया तो मुझे दिक्कत आया। तो अब आप ये चीज सीख सकते हैं कि ये चीज हमें पहले से ही सोच के फाइनल कर लेनी है कि हमें क्या लेना है, तो ये आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं। लेकिन आप वो तो ऑप्शनल नहीं ले सकते ना जो मैंने लिया है। तो सिंपल मेरा ये कहना है कि आप सब लोगों को मत सुनिए, ठीक है, पहले सबको देख लीजिए, एक एक दो दो चार चार जो भी आपको देखना करना है, लेकिन फिर फाइनल कर लीजिए कि आप किसको फॉलो करेंगे, और फिर पूरी तैयारी के टाइम पे आप उन्हीं चीजों को उन्हीं लोगों को फॉलो करिए। एक जो आप अपना रूटीन मेंटेन कर ले रहे हैं, चाहे वो बुक्स के साथ हो, चाहे आपके शेड्यूल के साथ हो, चाहे आपकी जो भी आपने अपना अपना तैयारी के टाइम पे जैसे भी आपने अपना टाइम पास करने का जो भी आपने चीजें मतलब वो माइंड सेट करा है कि मुझे ऐसे ऐसे करना है। देखिए तैयारी त्याग बहुत मांगती है, इसमें आपको सेक्रीफाइस बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें आज की डेट में। बस सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि डाइवर्जन की चीजें आपके पास बहुत सारी हैं, बहुत ज्यादा डाइवर्जन के लिए इस समय आपके पास सबसे बड़ा डाइवर्जन तो आपका मोबाइल, यही आपको पढ़ने नहीं देता है, ठीक है ना। तो आपको जो है इन चीजों से थोड़ा सा बच के अपनी चीजों को एक शेड्यूल में ले आइए कि मुझे जो है किस समय क्या पढ़ना है, कैसे जो है रिवीजन कैसे करना है। इसमें सबसे ज्यादा इतना ज्यादा वाइड सिलेबस है कि आप एक चीज पढ़ते हैं 4 दिन के बाद पता चलता है वो साफ दिमाग से, क्लीन ऐसा आपको लगेगा, बहुत वार लगेगा, फिर पढ़ेंगे फिर 8 दिन बाद क्लीन, तो लगेगा कि जैसे क्या हो रहा है, मतलब मैं पढ़ रही हूँ और जो है कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, या फिर सारी चीजें जा कहाँ रही है इतना टाइम। तो ये होता है, सबके साथ होता है, हर किसी के साथ होता है। तो आपको मल्टीपल रिविजन करने पड़ेंगे, और जहां तक हो सके अगर आप इनिशियल पीरियड में है अपनी तैयारी की, अभी आपने स्टार्ट किया है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप नोट्स बना लीजिए।
और नोट्स किसी के देख के मत बनाइए, किसी के नोट्स को फॉलो मत करिए. नोट्स वे होते हैं जो आपके खुद के होते हैं, अपने होते हैं. अपने नोट्स यूनिक होते हैं आपस आपके लिए, आपके नोट्स आपके लिए हैं. आप अपने नोट्स जो है तैयार कर लीजिए, उससे आपको रिविजन में बहुत हेल्प मिलेगा. और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो रिविजन है, कि हमें बहुत ज्यादा रिवाइज करना पड़ेगा चीजों को. और पर्टिकुलर अगर हम देखें कि इस तैयारी में जो सारी एक मतलब बोरियत होने लगती है, कि वही हिस्ट्री, वही ज्योग्राफी, वही पॉलिटी, वही सारी चीजें बार 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 बार, वही जैसे आर्टिकल हम बार बार पढ़े जा रहे हैं, वही हिस्ट्री में वही युद्ध पढ़ रहे हैं, तो बोरियत होने लगती है. लेकिन आपका नोट्स रहेगा तो आपको रिवाइज करने ईजी रहेगी, आप इजीली उसको रिवाइज कर पाएंगे. इसके अलग मैंने और कुछ ज्यादा इसमें फॉलो किया नहीं है. ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस मैं ज्यादा जो है की नहीं हूँ, क्योंकि मैं कर नहीं पाती हूँ राइटिंग प्रैक्टिस. मैं सीधा एग्जामिनेशन हॉल में ही जो है लिखी हूँ. हालांकि ये गलत चीज है, बहुत गलत चीज है, करना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा कोई खास जो है जरूरत महसूस नहीं हुआ. बाकी आप लोगों के अगर क्वेश्चंस कुछ हैं तो मुझे वो जो है आंसर करने में थोड़ा और ठीक लगे. मैम दो तीन क्वेश्चन है यहाँ पर, आप चैट बॉक्स में चेक कीजिए, उसमें दो तीन क्वेश्चन आए हुए हैं. जय हिंद. आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन मैम, एनसीईआरटी बुक्स रीड करना बेसिक्स के लिए परफेक्ट रहेगा क्या, जबकि एजुकेशन सिस्टम चेंज हो रहा है? तो प्लीज, एजुकेशन सिस्टम ही तो चेंज हो रहा है, सिलेबस थोड़ा ही चेंज हो रहा है भाई. आपकी पॉलिटिकल इकोनॉमी थोड़ी बदल जाएगी, ज्योग्राफी थोड़ी बदल जाएगी. एजुकेशन सिस्टम के चेंज होने से आपका जो है सिलेबस थोड़ा बदल रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि एजुकेशन सिस्टम चेंज हो रहा है. आप एनसीईआरटी पढ़िए, इससे क्या फर्क पड़ रहा है कि अब क्लासेस जो है 5+4 और जो भी उन्होंने किया है, मैंने तो ज्यादा देखा नहीं है. अभी एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, लेकिन 10+2 को वो खत्म कर रहे हैं. तो अगर 10+2 को खत्म कर रहे हैं तो क्या कहीं और वो चीजें पढ़ेंगे आप लोग? तो इससे कोई मतलब नहीं है. ये जो है आप पढ़िए एनसीईआरटी, कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट एक है आयुष सिंह. हेलो मैम, क्या पीसीएस में मैथ किस लेवल की आती है? आयुष जी, आपका एकेडमिक में जानना चाहती हूँ. आयुष जी, यू कैन म्यूट योरसेल्फ. देखिए, मैथ्स जो आती है वो 10th लेवल की आती है, और वो सी सेट में आती है. उसका नंबर जो है नहीं जुड़ता है. अगर आपको मैथ नहीं भी आता है तो भी चलेगा. यूपीपीएससी में ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपको मैथ्स आना कंपल्सरी है. केवल सी सेट के पेपर में मैथ्स के कुछ 8-10 क्वेश्चन आते हैं, और सी सेट का पेपर जो मैथ्स यूपीपीएससी कराती है प्रीलिम्स में, वो सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम है. उसमें आपको 33% या 40% नंबर लाना होता है. एक्चुअली मेरा सी सेट सही रहता है, तो मैं कभी देखती नहीं हूँ 33 या 40 कितना है. आप देख लीजिएगा, 40% है शायद यूपीपीएससी का. तो उसमें आपको जो है, अगर मैथ्स नहीं भी आ रही है, तो आप उसमें हिंदी, इंग्लिश, उसके कई सारे कंपोनेंट हैं सी सेट के. जैसे उसमें हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, आपका कम्युनिकेशन स्किल भी उसमें पूछा जाता है, एप्टीट्यूड भी उसमें आता है, और आपका उसमें जो सिचुएशनल क्वेश्चन रहते हैं वो उसमें कुछ आते हैं, रीजनिंग आती है. तो मैथ्स के लिए घबराने की कोई बात ही नहीं है, मैथ्स का कोई दिक्कत नहीं. एक नेक्स्ट क्वेश्चन है मंथली वीर जी का. मैम, मंथली मैगजीन कौन सा पढ़ना चाहिए? मैंने अभी बताया, मंथली मैगजीन इस समय मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल है. आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिए कौन सा अच्छा है, क्योंकि हर व्यक्ति का टेस्ट अलग होता है. अभी अगर मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूं, अभी मैंने लास्ट वीक दृष्टि का मैगजीन खरीदा था. दृष्टि आईएएस जो एक कोचिंग सेंटर है, उसका मैंने 2 मैगजीन लिया है जून जुलाई का. तो मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. उसमें क्या था कि उन्होंने जो करंट अफेयर दिया है उसके साथ में इतना डेप्थ में जीएस में वो घुस जाते हैं कि वो करंट अफेयर ना रह के जीएस ही हो जाता है. अब मुझे करंट अफेयर में क्या चाहिए कि भाई जो लेटेस्ट घटनाएं हुई है बस मुझे उनका ओवरव्यू मिल जाए. लेकिन
आपने बहुत डेप्थ में दिया है, अब दृष्टि अपने आप में बहुत अच्छी मिलती है, बट मेरा टेस्ट, मेरा एक्सपीरियंस नहीं जो है उसके साथ बहुत अच्छा रहा। तो एक सिंगल मैगजीन की अगर बात की जाए तो वो आपको शुरुआती स्टेज में, शुरुआती चरण में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको शुरुआती चरण में लगभग लगभग 3-4 मैगजीन पढ़नी पड़ेंगी, और उसके बाद आपका टेस्ट डेवलप होगा कि आपको किस मैगजीन के साथ आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो। बाकी आपको करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन हर मैगजीन में इतना मिल जाएगा कि आप यूपीपीएससी आराम से निकाल सको। कोई भी एक नकली मैगजीन आप ले लो, मैं कुछ पुराने नाम बता देती हूँ, हालांकि मैं तो आज भी प्रतियोगिता दर्पण ही पढ़ती हूँ। और इसके अलावा घटना चक्र का जो कंपाइलेशन आता है दृष्टि, वो मैं देखती हूँ, या फिर परीक्षा मंथन में जो है लिया करती थी। तो मैंने कोई खास जो है करंट अफेयर्स पे मैगजीन्स का मेरा नहीं है कि बहुत ज्यादा मैगजीन्स लेना है, जरूरत भी नहीं है। अगर आप आज न्यूज़पेपर पर डे पढ़ने के हैबिचुअल हैं तब तो मुझे लगता है करंट अफेयर्स मैगजीन की भी कोई ऐसी नीड नहीं है। लेकिन उसे लेने से एक तो साइकोलॉजिकल बेनिफिट हो जाता है कि आप एक मैगजीन पढ़ रहे हैं, दूसरा ये होता है कि आपको रिविजन में थोड़ा सा इजी हो जाता है कि मैम थोड़ा सा नेटवर्क इशू है अलग। हेलो फ्रेंड्स, ये बोला कि आप लोगों की क्वेरीज अभी यहाँ पास अश्विनी सर भी हैं, तो आप सभी लोगों की क्वेरीज लास्ट में ले जाएगी। यहाँ पास संध्या मैम, अश्विनी मैम दोनों लोग, मैं बताना चाहूंगा कि ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा ये एक अपॉर्चुनिटी है कि दोनों लोग एक तो आरोही हैं, दोनों दूसरी बात यहाँ पास आरओ सेक्रेटरिएट से हैं, एक यहाँ पास सीनियर मैम है, तो जूनियर यहाँ पास अश्विनी सर भी हैं ना। तो यहाँ पास सर के लिए मैं एक छोटी सी मतलब कि कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगा कि बहादुर कब किसी का आसरा इंसान लेते हैं, जिसे वो ठान लेते हैं उसे वो कर गुजरते हैं। यहाँ पास अश्विनी सर से अपना थोड़ा सा मतलब नज़दीकी जुड़ाव भी रहा, इनको काफ़ी अच्छे से व्यक्ति जानता भी है, तो इनका काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस भी रहा। यदि शायद ही कोई ऐसी स्टेट पीसेस की बची होगी जिनको ये इंटरव्यू तक ये फेस ना किए हों ना, तो इसलिए थोड़ा सा आपका जो इनका एक्सपीरियंस है तो और भी ज़्यादा आपके नॉलेज को और या कि आपकी जो नॉलेज उसको बढ़ाने के लिए और भी डाइवर्सिफाई हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा अश्विनी सर भी यहाँ पास बच्चों को कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करें, अपने एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करें, फिर मैम और सर दोनों लोग मिलकर के थोड़ा सा बच्चों की क्वेरीज जो है तो इसीलिए बहुत सी क्वेरीज आती हैं। हाँ हाँ, इसीलिए आपस भी बच्चों की जो क्वेरी जो हाँ सुनी जाएंगी। ठीक है, तो अश्विनी सर थोड़ा सा आप भी कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करें बच्चों के सामने। सभी को यहाँ नमस्ते जी, आप शुरू कर सकते हैं। मेरा यही है ना, यूपीएससी का प्रिपरेशन कैसे करना है ये मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैम ने तो यूपीपीसीएस के बारे में बता ही दिया है अधिकतम चीज। और दूसरी बात की एग्जाम में एक बात होती है एलिमिनेशन टेक्निक जो यूज करना, तो वो थोड़ा सा उस पे भी थोड़ा सा आप प्रकाश डालें थोड़ा सा। हाँ, उस पे हम पहले बता देते हैं यूपीएससी का, उसके बाद फिर हम यूपीपीसी उसका एलिमिनेशन टेक्निक बता देंगे। तो मैं पहले सभी को नमस्ते करता हूँ, मैम आपको भी नमस्ते करता हूँ, और अब मैं अपना स्टार्ट करता हूँ। मैंने कुछ लिख के रखा था पहले से और मैं इसी आधार पर बता रहा हूँ आप लोगों को। आप लोगों को मेरी वॉइस सुनाई दे रही है क्या? यस सर, सुनाई दे रही है। तो अगर आज मैं पहले यूपीएससी के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ मान लीजिए आप लोगों को शुरुआत करना है जैसे हमने किया था, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लीजिए 5 साल का, 2013 से जब से नया पैटर्न आया है 2019 तक का, इसको आप पहले सबसे पहले बस यही कीजिए कि इसको अच्छे से एनालाइज कर लीजिए कि जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, इकोनॉमी, जियोग्राफी, करेंट अफेयर्स, तो इसमें किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, और फिर क्वेश्चन हमको पता चल जाए तो फिर क्वेश्चन का नेचर क्या है, क्या करेंट से आ रहे हैं कि स्टैटिक आ रहे हैं कि करेंट और स्टैटिक मिक्स आ रहे हैं। जैसे पिछली 2019 में उन्होंने करेंट अफेयर्स और स्टैटिक मिक्स पूछा, स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट करेंट का और एक इसका स्टैटिक पोर्शन। फिर आप देख लीजिए कि जो क्वेश्चन है उनका लैंग्वेज कैसा है, स्टेटमेंट पूछ रहे हैं कि वन वर्ड टाइप से पूछ रहे हैं, क्या कौन कौन से उसमें एक्सट्रीम वर्ड्स यूज हो रहे हैं ना, इसी से एलिमिनेशन होता है जो एक्सट्रीम वर्ड्स हैं उनको देख के।
इसके बाद फिर आप क्वेश्चन में देख लीजिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, हर 2-3 साल में रिपीट होते हैं, तो आप इस प्रकार से ट्रेंड देख लेंगे तो आपका ऐसे हो जाएगा। जैसे मैंने था तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ। जैसे पॉलिटी में हम बताते हैं कि अभी मान लो कोई नया बॉडी बना है तो उस पर क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे पिछली बार पूछा था, पिछली बार जो काउंसिल थी फाइनेंशियल होती है और बेसिक में जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हो गया, फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल, जो कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये हो गया, पंचायती राज सिस्टम हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर क्वेश्चन हर बार आते हैं, ऐसा मतलब मैंने एनालाइज किया है। अब आप जियोग्राफी में देखिए कि जो भी इंपॉर्टेंट फिजिकल लोकेशंस हैं उन पर वो पूछते हैं। उन्होंने पहले पूछा था ये कि खजुराहो कहाँ बुंदेलखंड में है, उज्जैन मालवा में है, वाराणसी मध्य गंगा मैदान में है, शिरडी मराठवाड़ा, इस प्रकार लेवल पे जो चर्चा में रहती है, जैसे सीरिया में हो गया, इराक में या अफगानिस्तान में, उस तरह से। तो सारे सब्जेक्ट में इसी तरह से आप एनालाइज कर लीजिए सबसे पहले किससे क्या क्या पूछा जाता है। जैसे 2018 का मैंने किया था करंट अफेयर्स में, तो इंडेक्स या रिपोर्ट्स हर साल पूछते हैं, पिछली इस साल भी पूछा, उस साल भी पूछा है, उसका क्या पैरामीटर्स है वो आप देख लीजिए। जियोग्राफी में कोई भी लेक है या रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो हर साल आ रहा है, या फिर कोई इंटरनेशनल रिलेशन में कोई कैस्पियन सी है, मेडिटेरियन सी है, उसकी नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है, वो हो गया। जीआई टैग पे कौन कौन से प्रोडक्ट्स को मिला है, ये इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया। एंशियंट इंडिया में जो भी हमारे बौद्ध धर्म या जैन धर्म है उन पे क्वेश्चन आता है, संप्रदाय। पिछली बार पूछा था उन्होंने कि जैन धर्म का संप्रदाय कौन सा है, इस बार पूछा था कि बौद्ध धर्म का कौन सा है उससे पिछली बार, अभी इस बार पूछा था 2019 में कि बौद्ध का अगला अवतार कौन सा है, ये हो गया। मतलब एक ट्रेंड है एक प्रकार से, आप सबसे पहले इसी को अच्छे से एनालाइज कर लीजिए तो बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं कि क्या क्या उस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं। इसको हम वो फोटो खींच के आप लोगों को दे देंगे तो और अच्छे से पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत सारा लिखा हुआ है। इतना हो गया, एक तो सेगमेंट ये हो गया। जब आप लोग ये कर लेंगे तो इसके बाद फिर अपना ऑर्डर ऑफ स्टडी डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट हमें पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है। तो मैंने ऐसा किया था कि एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, क्योंकि जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है वो भी इसमें इंक्लूड है, तो पहले उसको तैयार करो क्योंकि इसका सिलेबस भी छोटा है और जल्दी हो जाता है। फिर इकोनॉमी से क्वेश्चन बहुत आते हैं जिसमें गवर्नमेंट स्कीम इंक्लूड कर लो, तो वो गया। उसके बाद पॉलिटी, गवर्नेंस और जो नए एक्ट्स कोई पार्लियामेंट ने अभी पास किए हैं इसमें अमेंड किया है वो, आर्ट एंड कल्चर हो गया, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, फिर इंटरनेशनल रिलेशंस और इसमें एटलस के क्वेश्चन, इसके बाद जियोग्राफी और विशेषकर इंडियन फिजिकल जियोग्राफी और इसमें भी एटलस बेस्ड क्वेश्चन, उसके बाद एंशियंट और मिडिवल इंडिया कर सकते हैं, और सबसे आखिरी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऐसा क्यों? क्योंकि हिस्ट्री बहुत सारा है, आप पढ़ेंगे तो उसका कॉस्ट बेनिफिट कम है कि क्वेश्चन कुछ सॉल्व भी कर पाए, इसलिए हिस्ट्री को बाद में ही करना चाहिए, विशेषकर एंशियंट और मिडिवल को। मॉडर्न से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, मॉडर्न सिलेबस भी छोटा है तो इसको पहले कर लो। साइंस टेक के क्वेश्चन भी टफ ही होते हैं और ज्यादा भी नहीं होते हैं, तो उसको सबसे बाद में करो क्योंकि उसका कॉस्ट बेनिफिट भी बहुत कम है। तो ऑर्डर ऑफ स्टडी हो गया सेकंड पे, और फिर तीसरा आएगा कि फिर आपको स्टडी कैसे करना है। तो इसके लिए जो हमने अभी तक देखा है पिछले साल तक पेपर से, कि सबसे पहले तो करेंट अफेयर्स तैयार करना होगा सारे सब्जेक्ट्स के लिए, और जैसे जो भी करेंट में इशू रहते हैं वो उन्हीं का स्टैटिक पोर्शन या कॉन्सेप्ट पूछते हैं। जैसे पिछली बार जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन पे महाभियोग लाया गया था, इंपीचमेंट, तो उन्होंने उसका कॉन्सेप्ट बुक से पूछ दिया कि किस प्रकार से ये लाया जाता है पॉलिटी में। ठीक इसी तरह से इकोनॉमी में अभी इंडिया 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाता है परचेसिंग पावर पैरिटी पे, तो उन्होंने एक फैक्ट पूछ दिया कि इंडिया 5th नंबर पे या 6th पे, दूसरा परचेसिंग पावर पैरिटी क्या है। ऐसे इसी प्रकार से तो आपको करेंट अफेयर्स और स्टैटिक मिला के करना होगा अब, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने होंगे और संग में आप इस पर टेस्ट सीरीज लगाते जाइए किसी भी कोचिंग की, विजन का वैसे सबसे अच्छा है उसका आप कर सकते हैं, और फिर इसके बाद आप छोटे छोटे नोट्स बना के उसका अच्छे से अपना रिवीजन करते जाइए ताकि एग्जाम के टाइम में
फिर उसी को आप पढ़ लें, फिर पूरा बुक वगैरह ये सब कुछ नहीं पढ़ना पड़े, तो इस तरह से हो जाएगा। पीयूष जी, आप लोग फ्रेंड्स अभी आप लोग क्वेरीज जो भी आप लोगों की हो मन में तो पूछ सकते हैं, यूपी पीसीएससी रिलेटेड भी, यूपीएससी से भी रिलेटेड, जिस भी जो भी किसी भी टाइप की आपकी क्वेरीज हो आप लोग विदाउट हेजिटेशन पूछ सकते हैं। जिसको भी क्वेरी पूछनी है वो खुद को रेज हैंड यहाँ से करेगा, मैं उसका नाम लूंगा, अनम्यूट करेगा, क्वेरी पूछेगा और खुद को म्यूट कर लेगा। तो शुरू करते हैं क्वेरीज लेना। मैम जो क्वेरीज आपको लगे कि मैं लेनी है, यहाँ पे नीरज जी का एक क्वेश्चन आ रहा है। नीरज जी आपका क्या क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। नीरज जी खुद को अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, या फिर टेक्स्ट बॉक्स में आप लोग जो है क्वेरीज छोड़ दीजिए अपनी, वहां से आपको जो है वो कर लेंगे। मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? हेलो जी नीरज जी, क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी। हाँ सर, ये जो हिंदी मीडियम के लिए है तो हमारा दैनिक जागरण प्रिफर कर सकते हैं ना न्यूज पेपर के लिए? देखो करंट अफेयर्स के लिए आप क्या कीजिए कि सिर्फ दैनिक जागरण को इतना, क्योंकि जो भी हिंदी न्यूज पेपर है उनका रीडर हिंदी बैकग्राउंड से है, तो सारी न्यूज तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन आप जो डेली आकाशवाणी न्यूज आती है आधे घंटे की, उसको आप जरूर सुनिए। और फिर आता है आपका कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे निकल रहा है तो वो नहीं है किसी काम का। सर जो एडिटोरियल आता है तो कोई भी एक न्यूज़पेपर का प्रेफर कर सकते हैं, तो दैनिक जागरण का ही अभी मैं पढ़ रहा हूँ वो एडिटोरियल, बाकी का करंट अफेयर्स के लिए विजन वगैरह है और दृष्टि का प्रेफर कर रहा हूँ अभी तो। मैगजीन एक ही बहुत है विजन आई है इसका, फिर दृष्टि का जरूरत नहीं है क्योंकि वही अच्छा है, दो दो पढ़ के आप कुछ मतलब नहीं निकलेगा क्योंकि दोनों में चीजें एक ही आएंगी और लैपटॉप पे। हाँ सर, मैक्सिमम चीजें तो सेम ही रहती है, आगे पीछे बस ऐसा एक मतलब सेम ही चीजें रहती है, किसी का फर्स्ट डे मतलब जैसा 1 जुलाई को अलग मिल जाएगा, फिर 2 जुलाई को वही सेम क्वेश्चन सेकंड वाले में मिल जाएंगे, तो लेने के बराबर ही हो जाता है वो। और एक और क्वेश्चन था सर की जो एनसीईआरटी बुक्स है वो तो हम अभी बेसिक फंडामेंटल क्लियर करने के लिए वो प्रिफर करें ना अभी, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम चेंज हो रहा है तो उसका कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ने वाला ना सर? ये मतलब बड़ा मतलब दिमाग में बहुत ज्यादा आया था पहले, उस पे नहीं होगा कुछ, बुक्स तो वही है ऐसा। सर, क्योंकि बहुत ज्यादा ये परेशान कर रहा था ये क्वेश्चन, तो ये थोड़ा पूछना जरूरी था और गाइडेंस भी नहीं था किसी का, तो इसलिए आपके सामने रह गया जी। आप थैंक यू सो मच सर। क्वेश्चन हो वो ले सकते हैं अपना क्वेश्चन, दूसरा बंदा। अजय जी आपकी आवाज क्लियर नहीं है। हेलो, हाँ वीर जी का क्वेश्चन है कि न्यूज चैनल कौन सा अच्छा है, तो सर या मैम कोई भी आप रिकमेंड कर दे थोड़ा सा बच्चों को। ऐसे न्यूज चैनल का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम आपका लग जाएगा, वैसे डीडी न्यूज पे जो डेली न्यूज आता है रात को 8 बजे से 9 बजे तक वो ही बेस्ट है, उससे अच्छा तो अभी कोई नहीं है, या फिर राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी, लेकिन इसमें तो मतलब जो डिस्कशन आते हैं वो ठीक रहते हैं, बाकी तो डीडी न्यूज अच्छा ही है, उससे अच्छा भी कोई नहीं है। हेलो सर, गुड इवनिंग। जैसा सर मेंस एग्जाम की बात करें तो जो मेंस एग्जाम में पेपर होते हैं कि वो ऐसा होगा कि मतलब एक हम सब्जेक्ट चूज करेंगे, उस सब्जेक्ट के रिलेटेड जो भी पेपर होंगे सारे उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, या फिर जैसे कि प्रीलिम्स में होता है सारे सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं? ये तो आप मेंस का सिलेबस देखेंगे, GS 1 2 3 4 पर आप ऑप्शन लेंगे वो होगा, ये तो अलग ही अलग होगा सारा, हिस्ट्री भी है इसमें, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी इकोनॉमी सारा मिक्स है, ये तो आप सिलेबस देखिए। जो मतलब GS 1 2 3 4 जो भी है ये सारे एक ही सब्जेक्ट में होंगे जिसको हम ऑप्शनल लेंगे? हम आपका समझ नहीं पा रहे हैं, पीयूसी बता सकते हैं सही से क्या बोलना चाह रहे हैं जी। क्वेश्चन आप थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए सर। मैं
ये पूछना चाह रहा हूँ, जो मेंस में एग्जाम जैसे पेपर होते हैं ना, मेंस के कितने जैसे जीएस पेपर होते हैं उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें हम एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनते हैं ना सर, तो उसमें सारे मतलब जिसको हम ऑप्शनल ग्रुप में चुनेंगे वो सारे पेपर उसी सब्जेक्ट में होंगे या मतलब वो जीएस वन फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले पेपर होंगे उसमें? नहीं 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 नहीं, ये कह रहे थे कि ऑप्शनल जो हम चूज करते हैं जीएस के भी पेपर सब उसी से रिलेटेड होंगे क्या? नहीं, ये थोड़ा सा आप क्लैरिफाई कर दीजिए अश्विनी जी। यदि ऑप्शनल हम चूज करेंगे तो ऑप्शनल का जो सिलेबस है तो उसी से क्वेश्चन आते हैं, उसमें जीएस 1 2 3 ऐसा कुछ नहीं आया है, पेपर होते हैं ऑप्शनल के और सिलेबस दिया है तो वही क्वेश्चन आएगा उसमें। देवकरण जी का कोई क्वेश्चन आ रहा है, देवकरण जी आप पूछ सकते हैं। देवकरण जी जी हाँ, हेलो हेलो अश्विनी सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ सुन रहे हैं सर। एक्चुअली मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मेरा पूरा परिवार उत्तर प्रदेश से ही था, हमारी माइग्रेशन हो गया तो हमारी एकेडमिक पढ़ाई यहीं से हुई। फिलहाल मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में जॉब करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ यूपीपीएससी भी देना, तो सर क्या कुछ प्रॉब्लम होगा आगे जाके? इसमें एक सवाल आपसे था, एक सवाल संध्या मैडम से भी था। सर से पहले क्लियर कर लीजिए क्या बात बता दीजिए, सर बताइए अश्विनी सर से पूछिए पहले क्या इसमें प्रॉब्लम क्या है आपको? नहीं, मुझे वेस्ट बंगाल से आपकी आवाज क्रैक हो रही है, आप टेक्स्ट बॉक्स में पूछ लीजिए क्वेश्चन, दे विल आंसर, जिससे जो क्वेश्चन हो उसे लिख दीजिए। अच्छा अच्छा ठीक ठीक जी ठीक है जी। दूसरा किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। जिसके क्वेरीज हो वो प्लीज पूछ सकता है। तो यहाँ पे चैट बॉक्स में मैम कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप एक बार देख लीजिए प्लीज। संध्या मैम, मैम चैट बॉक्स में बहुत से क्वेश्चंस हैं, प्लीज आप लोग आंसर करने का उन्हें कोशिश कीजिए। मैगजीन कौन सा पढ़ना चाहिए मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एक एमटी सलमान जी का क्वेश्चन है, मैम यूपीएससी में डायरेक्ट आईएएस बनने के लिए कितना रैंक लाना पड़ता है? अश्विनी सर जवाब देंगे। इसमें तो हर साल मैम डिसाइड होता है, शायद टॉप 90 या 100 तक आईएएस बनते हैं, उसके ऊपर फिर 80 वैकेंसी आए दो पोस्ट के लिए, ये डिपेंड रहता है। अभी आप ये सू छोड़ दीजिए, अभी तो तैयारी कीजिए। क्वेश्चन है रवि रंजन जी का, मैम जनरली इंटरव्यू बोर्ड इज आस्क्ड हाउ टू प्रोसीड फॉर हॉबी, हॉबी के लिए अभी आप क्या परेशान है? जो हॉबी डेवलप कर रखी है उसी में आगे बढ़िए, अभी तैयारी पे ध्यान दीजिए। चैट बॉक्स में क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं। कुमार जी सर, क्या यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी? विवेक कुमार जी हैं सर, क्या यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी करते हुए इंटरव्यू की भी तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए? अश्विनी सर, अभी इंटरव्यू का आप लोग मतलब बिल्कुल से भी चिंता नहीं कीजिए, पहले प्री निकलेगा मेंस, उसका समय मिलता है काफी इंटरव्यू के लिए, अभी वो छोड़ दीजिए, उसका जरूरत नहीं है। अब जब तैयारी शुरू करते हैं तो शुरुआत से ही मतलब लगता है कि इंटरव्यू का कैसे होगा, क्या प्रिपरेशन होगा, लेकिन अभी उसका जरूरत नहीं है। प्रीति सिन्हा जी का एक प्रश्न है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी फॉर बिगिनर्स? अश्विनी सर
इसके लिए तो शुरुआत में मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप संग में रखिए और एनसीईआरटी बुक्स पढ़िए, उसको देखते जाइए कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी तरह से हर एक सब्जेक्ट को पढ़ते जाइए। बेस तो एनसीईआरटी है, उसी से फिर आगे बढ़ जाऊंगा। जॉब के साथ प्रिपरेशन कैसे करें? यस, ये एक अच्छा क्वेश्चन है मैम, आप इसका आंसर आप दें तो बेहतर है क्योंकि आपने किया हुआ है। देखिए, जॉब के साथ प्रिपरेशन करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, ठीक है, क्योंकि मेरी तैयारी जॉब के बाद ही शुरू हुई है। तो जॉब के बाद अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको अपने टाइम को बहुत कायदे से मैनेज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते हैं, मैंने किया है, ठीक है, दो बार मेरा आयोग से हुआ। तो बहुत लोगों का होता है, मैं तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, बहुत लोग कर रहे हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपना टाइम जो है उसको मैनेज करिए, इधर उधर टाइम नहीं खराब करिए, अपनी प्रायोरिटी तय कर लीजिए, जो भी आपकी जॉब की टाइमिंग्स हैं उससे टाइम मैनेजमेंट बोलना शुरू किया जाए तो कई घंटे बीत सकते हैं। तो छोटी सी चीज बस इतना कह सकती हूँ यहाँ पे कि आप जो है एक्स्ट्रा जितनी भी आपकी जो आपकी पढ़ाई में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है उन सारी एक्टिविटीज से साइड हो जाइए कुछ दिनों के लिए। जितना आप अवर्जन करेंगे चीजों से, जितना ज्यादा आपको आप स्क्रीनिंग करने लगेंगे, ठीक है, थोड़ा सा सोशल इन द सेंस है कि दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा, रिलेटिव्स को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी कि कौन ज्यादा जरूरी है कौन नहीं। अगर आप सबके लिए अच्छा बने रहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे जॉब के साथ तैयारी। तो ये चीज आप दिमाग में रखिए कि आपको बहुत सारी चीजों को सेक्रीफाई करना पड़ेगा। आप अपना टाइम मैनेजमेंट देख लीजिए, जैसे जाने आने के टाइम में आप थोड़ा बहुत अपना अगर नोट्स बनाया है तो उसका आजकल मोबाइल का फायदे भी बहुत सारे हैं, उसमें पिक्स क्लिक करके जैसे आप आने जाने के टाइम में पढ़ सकते हैं। और सुबह में आप अगर मतलब सबका अलग अलग होता है, देखिए इसमें इंडिविजुअली वेरी करता है कि किसी की जॉब टाइमिंग्स क्या है। बेसिक मतलब ये है कि आपको जो है स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी, सोशल एक्टिविटीज से थोड़ा सा आपको बचना पड़ेगा, तभी आप इस एग्जाम को जो है क्रैक कर पाएंगे। नेक्स्ट, शर्मा कृष्णा सर, हिंदी मीडियम में कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट बेटर है? अश्वनी सर, आप मीडियम में हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी, सोशियोलॉजी, ये बेटर रहते हैं, लेकिन फिर आपका जो चॉइस वो ले सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बता सकते हैं इंग्लिश मीडियम में जैसे आप इकोनॉमी लेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगी, या ज्योग्राफी में मार्क्स इंग्लिश में थोड़ा अच्छे मिलते हैं हिंदी की अपेक्षा, या फिर कोई साइकोलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, तो वो तो इंग्लिश में ही अच्छा है। हिंदी के जो ट्रेडिशनल ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट हैं वही लोग ज्यादा लेते हैं, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, सोशियोलॉजी, या और भी जो सब्जेक्ट है हिंदी शायद तो सबसे अच्छा लेते ही हैं लोग। अश्वनी सर के लिए क्वेश्चन है, अश्वनी सर, सर्वेश कुमार पांडे जी का, अश्वनी सर, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और बजट इकोनॉमी सर्वे के लिए क्या सोर्स यूज करें प्रीलिम्स के लिए? देखो, बजट और इकोनॉमिक सर्वे यदि हम पढ़ेंगे तो उसमें बहुत टाइम जाएगा और उसका कॉस्ट बेनिफिट बहुत कम होगा, क्वेश्चंस नहीं निकलेंगे। तो यदि कोई कोचिंग में क्लास लिए हैं वो कोई भी सर उसकी समरी बना के या दिए हैं तो आप उसको ले लीजिए। जैसे मृणाल सर हैं जो इकोनॉमी के, वो बेस्ट कवर करते हैं इकोनॉमिक सर्वे बजट, यदि आप उनका कर लेंगे जो हम किए हैं तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो सबसे अच्छा है। और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए क्या है, एक तरफ तो आप करंट अफेयर्स के जो इशू है पिछले एक डेढ़ साल के वो आप देखिए, और थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन उसको आप अच्छे से कर लीजिए। और तो इसके लिए बुक ले लीजिए कोई भी, या फिर YouTube पे कई चैनल्स हैं जो पढ़ाए हैं अच्छे से उसको, या अनअकैडमी पे भी बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं इसके एनवायरमेंट इकोलॉजी के, तो वो देख लीजिए। ओके
पूर्णी त्रिपाठी जी है मैम, कौन से मीडियम से प्रिपरेशन अच्छा रहे? इट्स टोटली डिपेंड्स अपन यू, कोई आपको बता सकता है कौन सा मीडियम अच्छा है, आपको अच्छा लगना चाहिए जिसमें आप अपना बेस्ट प्रेजेंट कर सके. नीरज टू एवरी मैम, देयर इज ए रोटेशन ऑफ शिफ्ट मैनर इन आवर कंपनी, इट्स टू मच अफेक्ट इन आवर लाइफ, सो प्लीज सजेस्ट मी हाउ टू मैनेज माय टाइम. I have three shift night, day night and day. Okay. ये complicated है कि job का अगर timing एक रहे तो आदमी बस तो plan कर ले. आपका timing जो है वो तीन shifts में है. देखिए नीरज जी, आपका जैसे जैसे आपकी timings हैं आप उसी हिसाब से जो है manage कर लीजिए. जिस जिस डे आपका जैसे डे में रहता है तो उसके सब्जेक्ट आप फाइनल कर लीजिए, जिस दिन नाइट में रहता है उस दिन का, इससे आपको प्लान बनाने में इजी हो जाएगा तो दिमाग उसी दिशा में काम करेगा. अश्वनी जी क्या ख्याल है इस बारे में? ये एक अच्छा क्वेश्चन है मैम, आप अच्छे से बता सकती हैं क्योंकि मैं तो अभी स्टडी कर रहा हूं. नहीं ये नहीं, ठीक है आप स्टडी कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन ये एक जैसे एक नया क्वेश्चन है कि मतलब मेरे सामने ये पहली बार मैं इसको देख रही हूँ. अभी तक मेरे सामने ये चीज नहीं आई है कि कोई तीन शिफ्टों में किसी का जॉब है तो वो कैसे टाइम मैनेजमेंट करे. अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं यही करती कि अगर वीक में मेरा जैसे दो दिन नाइट वाला है और तो मैं फिर दिन के सब्जेक्ट उस डे के लिए फाइनल कर लेती कि इस दिन मुझे ये पढ़ना है, जिस दिन मेरा मतलब उसी हिसाब से डे नाइट के हिसाब से मैं अपने सब्जेक्ट का एलोकेशन कर लेती, और जब संडे रहता तो फिर रेस्ट करती क्योंकि रेस्ट भी बहुत जरूरी है. एक्चुअली हम पर जो 7 डेज के लिए एक शिफ्ट प्रेफर करते हैं. हां ऐसा फर्स्ट शिफ्ट प्रेफर करेंगे तो 7 डेज के लिए, आफ्टर वीक ऑफ सेकंड शिफ्ट स्टार्ट होगी, देन वीक ऑफ, फिर नाइट शिफ्ट स्टार्ट होगी. आप अपना क्वेश्चन प्लीज रिपीट करिए, मैं आपको सही से सुन नहीं पाई हूं नीरज जी. जो शिफ्ट रोटेशन वाला पढ़ना है तो जैसा फर्स्ट शिफ्ट अभी चल रही है इसके बाद फिर नाइट शिफ्ट आ जाएगी, इसके बाद जाके फिर सेकंड शिफ्ट आ जाएगी. आपका आपका एक शिफ्ट कितने आवर का होता है? एक शिफ्ट होता है हमारा 8 आवर्स का होता है और ये रोटेशनली होता है, मतलब 7 डेज के बाद चेंज हो जाता है ऑफ के बाद. फिर मतलब एक वीक आपका मतलब डे शिफ्ट रहता है, फिर एक वीक आपका डे नाइट ऐसे रहता है. Yes, तो इसमें क्या दिक्कत है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये तो इजी है मैम, इसमें तो और नया एक्सपीरियंस है, दिमाग और तरीके से हर तरीके से जैसे आपको मतलब हैबिट में आएगा कि रात में पढ़ने का दिन में. जैसे हम लोगों का क्या है, एक शेड्यूल है कि सुबह जाना है शाम को लौटना है, रात का अब नहीं है एक्सपीरियंस ऑफिस का. नींद किसी भी टाइम, जैसा यदि मैं फर्स्ट वाले शिफ्ट में हूँ तभी नींद का टाइमिंग अलग हो जाता है, फिर जब नाइट शिफ्ट में चले जाऊंगा उसका टाइमिंग अलग हो जाता है, तो कैसे रहता है कभी कभी नाइट में नींद नहीं आती है तो फिर थोड़ा गड़बड़ हो जाता है. अभी नींद के कैसे, हाँ वो मैं समझ रही हूँ, प्रॉब्लम ही ठीक है थोड़ा सा. लेकिन देखिए अब ये तो जॉब का इशू है, इसमें तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे ना, या तो जॉब ही बदल डालिए. नहीं अभी जॉब ऐसे जॉब बदल डालिए. कोविड 19 के टाइम आपको बहुत सारे विशेष, मुझे अच्छा लगा कि जो है आप इतना डाइवर्जेंट में भी काम कर रहे हैं और तैयारी के लिए सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है. ढेर सारी विशेष आपको नीरज जी, और आप करिए कर लेंगे, ऐसा नहीं है. इसमें आप एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा योगा की हेल्प ले लीजिए, योगासन कर लीजिए. और दूसरा ये है कि आप थोड़ा सा मतलब खान पान में अपने चेंज करके नींद से बच सकते हैं. और मतलब स्टडी के लिए तो एनी टाइम चूज ही कर सकते हैं, नींद नहीं आ रही है तो उसी टाइम ही फिर स्टार्ट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा स्ट्रेटेजी में. जॉब के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है जो लोग जॉब में है, क्योंकि सबका जॉब अपने आप में यूनिक है, सबके टेस्ट यूनिक है, सबके पढ़ने की स्ट्रेटेजी यूनिक है, तो एक चीज सभी लोगों पे इक्वली आप एप्लीकेबल नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है. यस मैम, तो हर किसी को मैंने शुरू में ही कहा था कि केवल एक्सपीरियंस शेयर किया जा सकता है, आप उसको फॉलो नहीं कर सकते, आप उससे सिर्फ केवल सीख सकते कि अच्छा ये प्रॉब्लम आई थी ऐसे तो मुझे ऐसे नहीं करना है. ठीक है, तो ये आपका जैसे है जॉब वाला, इसको आपको अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा. मुझे जो समझ में आ रही है कि आप इसको वीक वाइज अपना वीकली टास्क बना लिया करिए कि इस वीक
जी ये चीजें, मतलब टास्क जरूर रखिए, जॉब वालों के लिए ये है कि टास्क रखें वो वीक में कि मुझे ये चीजें कंप्लीट करनी है। मोबाइल का यूज करिए, उसमें अपने पीडीएफ वगैरह जब भी आपको टाइम मिले आप वहाँ पे देख सकते हैं। और जॉब वाले लोगों के लिए तो यही है कि थोड़ा सा सोशल गैदरिंग कम करनी पड़ती है और थोड़ा सा कटना पड़ता है ऑफिस में कई लोगों का, इस वजह से मतलब कई सारे लोगों से झगड़ा भी हो जाता है कि भाई सोशल नहीं है, किसी चीजों में इंक्लूड नहीं होते। कोई बात नहीं, जब आप सक्सेस हो जाएंगे तो वही सारे। हाँ बताइए। इसमें तो ओवरऑल सोशली कट चुका हूँ मैं, मतलब अपने हिसाब से मैनेज कर लिया वो सर। जितना सोशली पूरा जितना जल्दी आप कर लेंगे उतना जल्दी आप सक्सेस भी होंगे, ये मेरा एक्सपीरियंस है। थैंक यू सो मच मैम। तो दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। आप किसी का क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। आकांक्षा जी, प्रीति सिन्हा जी, नीरज जी के तो आंसर हो गए, देवकरण, प्राची जी, जिसके भी क्वेश्चन हो वो प्लीज अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकता है। जी मिथिलेश जी, आपका कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। हेलो सर, गुड इवनिंग। हेलो सर, सुन पा रहे हैं? हाँ सुन रहे हैं। बोलिए। गुड इवनिंग सर। हाँ बोलिए सर। बीपीएससी के लिए जो प्रीलिम्स में है वो तो यूपीपीसीएस की तरह ही होगा सेम, लेकिन उसका जो मैंने बीपीएससी का दिया है तो मुझे पता है, मेंस के लिए तो आप बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर साल, आप पहले क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं और उन्हीं को अच्छे से तैयार कर लीजिए कहीं से भी किसी कोचिंग के नोट्स से, जीएस वन में और जीएस टू में, और ऑप्शनल के क्वेश्चन भी इसी में आप तैयार कर लीजिए तो इजीली हो जाता है। जी सर, थैंक यू। और करंट अफेयर्स के लिए तो मैगजीन वगैरह लेना होगा ना सर? उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कम ही आते हैं बीपीएससी में और मेंस में? नहीं सर, 35 समथिंग आता है प्रीलिम्स। अच्छा, प्रीलिम्स में आते हैं तो वो तो सेम ही है जो भी स्टडी मटेरियल है, लेकिन जो बिहार स्पेसिफिक होते हैं तो आप कहीं से भी पढ़ लीजिए कोई भी वेबसाइट से, एक क्लाउड सफियर्स करके हम पढ़े थे, उसमें बिहार का जो मंथली करंट अफेयर्स है वो निकालते हैं हर महीने का, उसी से कौन सी बोले सर, रिपीट कर दीजिए सर। क्लाउड अफेयर्स अब तो ग्रेड अप भी देने लगा है, बहुत सारे लोग देने लगे बिहार का करंट अफेयर्स, ऐसा कुछ नहीं है, आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू। देवकरण जी का मैसेज आया हुआ है, तो देवकरण जी का पहला क्वेश्चन अश्विनी जी आपसे है शायद, वेस्ट बंगाल का एस्पायरेंट यूपीपीसीएस दे सकता है, मेरी एकेडमिक पढ़ाई वेस्ट बंगाल से हुई है। अश्विनी सर, इसमें हिंदी का पेपर होता है मेंस में, उसको आपको यदि हिंदी का जो सिलेबस है उसका व्याकरण हुआ और जो संक्षेपण होता है या गतांश करना यदि वो सबका आता है तो दे सकते हैं, और तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं, बस उसी पेपर में होगा, शायद निबंध भी इंग्लिश में लिख सकते हैं, सिर्फ हिंदी के पेपर अच्छे से तैयार करना होगा, यदि हिंदी की कमांड है और इंटरव्यू तो इंग्लिश हिंदी दोनों में ही दे सकते हैं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगला क्वेश्चन मैम संध्या मैम आपके लिए है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बावजूद भी आंसर राइटिंग वैसी नहीं हो पाती जैसे मैं सोचता हूँ, या फिर बोलता हूँ लिखते समय मैं वो सब नहीं लिख पाता जो मैं सोचता हूँ, प्लीज गाइड। आपने तो बिना आंसर राइटिंग एग्जाम क्रैक कर लिया संध्या मैम। हेलो, नहीं देखिए आरओ के एग्जाम में जीएस डिस्क्रिप्टिव नहीं होता था। हाँ, निबंध की राइटिंग प्रैक्टिस की जा सकती थी, वो मैंने नहीं की है, मैं कोई भी निबंध की प्रैक्टिस नहीं की हूँ, मैं डायरेक्ट निबंध लिखने में बिलीव करती हूँ, जैसे अभी मुझे कोई टॉपिक दे दिया जाए तो मैं कंफर्टेबल हूँ, लेकिन अगर कहा जाए कल आके जैसे लिख देना वो नहीं, मतलब क्विक में अगर लिखना हो तो एग्जामिनेशन हॉल में मेरा दिमाग ठीक काम करता है, वैसे नहीं चलता है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बावजूद भी आंसर राइटिंग वैसी नहीं हो पाती है जैसे मैं सोचता हूँ या फिर बोलता हूँ,
लिखते समय मैं वो सब नहीं लिख पाता जो मैं सोचता हूँ, प्लीज गाइड करें। अच्छा, इसमें कुछ ऐसा कोई मुझे नहीं लगता कि मतलब आप कौन से सब्जेक्ट में प्रॉब्लम फील कर रहे हैं, थोड़ा सा मुझे बताइए। ये आपका एक जनरल है, मतलब किसी स्पेसिफिक आपको सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, निबंध में प्रॉब्लम है, कहाँ आपको प्रॉब्लम है, कहाँ आपको अपनी सोच के अकॉर्डिंग आप नहीं लिख पा रहे हैं, क्लियर करिए। देवकरण जी खुद को आप म्यूट कर लीजिए और जो है पूछ लीजिए। देवकरण जी नहीं, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, आप दोबारा से क्वेश्चन वहीं पूछ लीजिए। देवकरण जी आपकी जो है वॉइस क्लियर नहीं है, आप टेक्स्ट में ही पूछिए। चलिए कोई कोई बात नहीं, हो सकता है वो उधर है तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आंसर राइटिंग देखिए प्रैक्टिस करने से ही आएगा, आप करवाते रहिए और किसी की गाइडेंस में अगर आप कर लें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हो सकता है आपको खुद को अच्छा नहीं लग रहा हो लेकिन आप अच्छा लिख रहे हो, ये तो कोई दूसरा व्यक्ति जज करेगा ना, मैम आपके हिसाब से वो अच्छा नहीं है। मैम आपके लिए क्वेश्चन बताया, मैम चेक कीजिए चैट बॉक्स में। इसका क्वेश्चन है, मैं चेक नहीं कर पा रही हूँ इस क्वेश्चन के बाद, कोई और क्वेश्चन देखते हैं। शिवसागर महतो का उन्होंने शायद मुझे प्राइवेटली मैसेज कर दिया, रुकिए मैं ये पेस्ट कर दे रहा हूँ कंट्रोल सी। मैम देखिए मैंने भेज दिया है, शिव सागर महतो जी का क्वेश्चन है। मैं रेलवे में लोको पायलट हूँ, मेरा तो टाइमिंग ही फिक्स नहीं, कब ड्यूटी जाना है कब आना है कोई फिक्स नहीं है, कितने आवर्स तक ड्यूटी होगा ये भी फिक्स नहीं है, कभी कभी 15 प्लस आवर का भी ड्यूटी हो जाता है, लेकिन जब मैं ड्यूटी में रहता हूँ तो भी सिर्फ पढ़ाई के बारे में ही सोचता रहता हूँ। वेरी गुड, तो घर आने के बाद पढ़ाई के लिए प्रिपेयर होना नहीं पड़ता, तो समय मैनेज हो जाता है। मैंने अपने दिल और दिमाग दोनों को समझा दिया हूँ कि अब जो करना है तो इसी जॉब में रहने के साथ ही करना है, सो पॉजिटिवली फोर्ट के साथ कर रहा हूँ। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी मोटिवेशनल। यही है कि जब आप सोच लेते हैं कि करना है तो आप कर ही लेते हैं। आप अभी जो हमने एक लिया था नीरज जी का, उनके पास देखिए टाइमिंग फिक्स है, ठीक है शेड्यूल नहीं है कि सुबह का दोपहर शाम को थोड़ा सा है, लेकिन अब इनसे आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं नीरज जी कि कोई टाइमिंग भी फिक्स नहीं है कब लौटेंगे कब नहीं, लेकिन उन्होंने अपना माइंडसेट कर लिया है। सबसे शुरुआत मैंने इसी चीज से की थी कि आपका माइंडसेट होना जरूरी है, जब आप कर लेते हैं तो फिर रास्ते मिल ही जाते हैं। ठीक है करिए आप। किसका प्रश्न था ये शिव सागर महतो जी का जी, शिव सागर महतो जी का। शिव सागर जी आप करिए तैयारी और यही अपना जो पैशन है इसको बना के रखिए, यही आपको आगे लेके जाएगा। डैम श्योर आप जो है बहुत जल्द यूपीपीएससी में सिलेक्ट होंगे, या जो भी आपने अपना ड्रीम अपने लिए चूज किया है उसको आप फुलफिल करेंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ ले। अश्विनी जी थोड़ा सा एक वो रह गया था एलिमिनेशन टेक्निक, थोड़ा सा अगर उस पे प्रकाश डाल देते तो थोड़ा सा बच्चों को अच्छा लगता, जो एक एलिमिनेशन टेक्निक होती है। क्यों नहीं, हाँ हाँ पता है मुझे जी, अपने थोड़े से राज आप शेयर कीजिए बच्चों के साथ। एलिमिनेशन टेक्निक बहुत इम्पोर्टेंट है यूपीएससी एग्जाम में, क्योंकि ओवरऑल 100 क्वेश्चंस में से मुश्किल से 25-30 क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट आते हैं, उसके बाद तो फिर इंटेलिजेंस गेस ही लगा के हमको 50 प्लस क्वेश्चन करने होते हैं सही, और तो उसके लिए एलिमिनेशन टेक्निक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसको मेरा मानना है कि एग्जाम से मतलब जब तैयारी हो जाए या उससे पहले टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस किया जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में तो ज्यादा लाभ मिलता है। अरे आप डायरेक्ट एग्जाम में अप्लाई करेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा कैसे हमको उसको यूज करना है, तो पहले तो ये बात ध्यान में रखना। तो इसके लिए कुछ हमने लिखा हुआ था
कि सबसे पहले तो आप क्वेश्चन में फोकस कर लीजिए कि कहीं उन्होंने करेक्ट इनकरेक्ट तो नहीं पूछा है, क्योंकि कई बार हम नहीं देखते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं कि इसमें क्या इनकरेक्ट है, वो हमको देखना है। ये हो गया इसके बाद। अब सेकेंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो स्टेटमेंट दिए रहते हैं तो उसमें एक्सट्रीम वर्ड्स वो लोग यूज करते हैं, उससे वो स्टेटमेंट पूरा गलत हो जाता है। जैसे एक्सट्रीम वर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं, एक और हमने लिखे हुए थे, जैसे उन्होंने ओनली लगा दिया तो चांस हो जाता है कि गलत हो जाए, ओनली हो गया, या रिसेंटली, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, इस प्रकार से जो एक्सट्रीम वर्ड्स हैं, इसमें एडवर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव या कुछ भी। जैसे नंबर्स हैं, अब कोई 1000 रुपीज है या 1000 करोड़ कोई बजट है तो उसको उन्होंने 10,000 कर दिया, एक जीरो बढ़ा दिया। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है तो उसको उन्होंने साउथ नॉर्थ कर दिया। इस प्रकार से वो लोग ट्रैप में फंसाते हैं, इसको देखना होगा। और तो ऐसा कुछ नहीं है, आप करेंगे प्रैक्टिस तो पता चल जाएगा कहाँ कहाँ एलिमिनेट हो सकता है क्वेश्चन। यही था पीयूष जी। जी तो बाकी अगर किसी का कोई डाउट है तो वो प्लीज अपने डाउट्स दे दीजिए संध्या जी। और जो डाउट्स होंगे पीयूष जी, और जो डाउट्स होंगे पीयूष जी आप ले लीजिएगा, हम लोगों को कर दीजिएगा व्हाट्सएप, हम कर देंगे क्लियर। जी तो मुझे लगता है कि सेशन अब एंड करने का समय जो है आ गया है। हमने 40 मिनट बोला था मैम लोगों से तो ज्यादा हो गया है, बट थैंक यू मैम हमसे जुड़ने के लिए, क्योंकि काफी बच्चों ने जो है रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि कई बच्चे थे जो तैयारी कर रहे थे और मार्गदर्शन की कमी हमेशा बच्चों को खलती है, तो हमने ये इनिशिएटिव नया शुरू किया। मैम एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है मैम ऑप्शनल का, वो अगर आप क्लैरिफाई कर देते तो थोड़ा सा, फिर इसके बाद सेशन को एंड करते हैं। सौरभ शान बहराइच का है मैम, हिंदी और हिस्ट्री में समझ नहीं आ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट लूं प्लीज हेल्प। अश्वनी जी बताएंगे। देखिए हिस्ट्री या हिंदी लिटरेचर है और हिस्ट्री में आपको पढ़ना होगा, हिस्ट्री आप जीएस में भी पढ़े होंगे लेकिन हिंदी बिल्कुल से अलग से पढ़ना होगा। और दूसरा आपको मतलब कहीं ना कहीं या तो स्टडी मटेरियल से पढ़ना होगा या फिर किसी कोचिंग क्लास में गाइडेंस लेनी होगी। तो आप ये देख लीजिए कि हिंदी के सब, इसके लिए आप ये डिस्कस कीजिए कि सबसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख लीजिए ऑप्शनल का, हिंदी का भी हिस्ट्री का भी, तो आपको उससे हेल्प लगेगा कि हम किसमें कर सकते हैं। अच्छा मुझे लगता है कि सभी के डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे, तो मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, अश्विनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमसे जुड़े। तो जाते जाते एक शायरी के साथ एंड करते हैं। पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है, थोड़ा धीरज रख थोड़ा जोर लगाता जा, थोड़ा धीरज रख थोड़ा जोर लगाता जा, किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है, किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। तो मैम थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, अश्विनी जी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और सभी जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल मिलेंगे एक ऐसे ही मीनिंगफुल सेशन के साथ, और एंडिंग रिमार्क्स अगर अश्विनी जी संध्या मैम आप कुछ देना चाहें तो प्लीज यू आर वेलकम। हमें मुझे बहुत अच्छा आप लोगों के साथ जुड़ के, सारे रेलिवेंट क्वेश्चन थे, और आप लोग तैयारी करिए, और हम लोगों के स्तर से अगर कभी भी किसी भी तरीके से कोई भी आपको कुछ भी जानना और पूछना रहे तो आई एम ऑलवेज रेडी टू कम हियर अगेन एंड अगेन। तो सभी के डाउट्स मुझे लगता है क्लियर हो गए हैं, तो थैंक यू मैम, थैंक यू अश्विनी जी फॉर ज्वाइनिंग। अश्विनी जी अगर कोई एंडिंग रिमार्क आप देना चाहें। मेरा भी यही कि आप लोग तैयारी करते रहिए और जो भी प्रॉब्लम है उसको या तो पर्सनल कॉल करके या बात सबसे पूछते रहिए तो बताते रहे, क्योंकि अभी पता नहीं चलता ना इस समय क्या प्रॉब्लम है, लेकिन जब डेली पढ़ेंगे ना कुछ ना कुछ डाउट आएगा तो उस समय आपको पता चलेगा क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो पूछते रहिए बताते रहेंगे सारे लोग जो भी जिसका प्रॉब्लम होगा। तो थैंक यू मैम, थैंक यू अश्विनी जी, अब सेशन को यही एंड करते हैं, कल ऐसे ही मीनिंगफुल सेशन के साथ हम लौटेंगे। थैंक यू।